Good morning, all the students, and I welcome you all in our Kids Carnival School online classes. So today we are going to start our English subject, and the lesson number is lesson one, A Good Boy. All right. So the lesson name is A Good Boy. सो हम एक एक करके लाइन इसका पढ़ेंगे. जो भी इस पर डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे मैं उसकी मीनिंग भी आपके साथ के साथ बताता चलूँगा और मैं लिखवा भी दूंगा जितनी भी इसकी डिफ़िकल्ट वर्ड्स होंगे. ठीक है. सो पहला लाइन ये है, आई वोक बिफोर द मॉर्निंग, आई वॉज हैप्पी ऑन द डे. इसका मतलब ये हुआ कि मैं सुबह होने से पहले जगा और मैं पूरे दिन, आई वॉज हैप्पी ऑन द डे, मतलब मैं पूरे दिन खुश था. I never said an ugly word. Ugly word का मतलब ये ऐसा होता है कोई भी गंदी बात, जैसे कि कोई गाली देना या किसी से लड़ाई झगड़ा कर लेना, ये इस स्टोरी में लिख रहा है. सो यहाँ लिखा हुआ है, I never said an ugly word, but smiled and stuck to play. मतलब मैं पूरे दिन मुस्कुराता रहा, खुश रहा और मैं अपने आप को खेल में बिजी रहा. Stuck to play यहाँ जो लिखा हुआ है, स्टक टू प्ले का मतलब ये हुआ कि खेलते रहना, मतलब लगातार मैं खेलता ही रहा. ठीक है. उसके बाद क्या हुआ, एंड नाउ एट लास्ट द सन इज गोइंग डाउन बिहाइंड द वुड. ठीक है. तो उसके बाद क्या होता है, तो जो सूरज है वो धीरे धीरे डूबने लग जाता है. ये एक फ्रेज लिखा हुआ है, द सन इज गोइंग बिहाइंड द वुड. वुड का मतलब होता है, अगर इसका हिंदी मतलब देखें तो जो सूरज है वो लकड़ी के पीछे जाने लग जाता है, बट एक्चुअली में ऐसा होता तो नहीं है, सूरज डूबने लग जाता है. तो इसीलिए इसमें जो पोएट ने लिखा हुआ है, वो ऐसे जो स्टोरी राइटर लिखा हुआ है, उसके लिखने का मतलब ये है, द सन इज गोइंग डाउन बिहाइंड द वुड, मतलब सूरज डूबने लग जाता है. एंड आई एम वेरी हैप्पी फॉर आई नो दैट आई हैव बीन गुड. और मैं पूरे दिन में बहुत खुश था, इसलिए खुश था क्योंकि मुझे पता था, फॉर आई नो का मतलब होता है मैं जानता हूँ, दैट आई हैव बीन गुड, क्योंकि मैं पूरे दिन बहुत अच्छा रहा. माई बेड इज वेटिंग कूल एंड फ्रेश, मतलब जो मेरी मैं जो इस तरह पर सोने जाता हूँ, जिस बेड पर सोने जाता हूँ, वो मेरा इंतज़ार कर रहा है. वेटिंग का मतलब इंतज़ार करना, कूल एंड फ्रेश मतलब बिल्कुल ठंडा है, एकदम तरोताजा है. विथ लीनन स्मूथ एंड फेयर, ये लिखा हुआ लीनन स्मूथ एंड फेयर, इसका ये मतलब हुआ कि लीनन जो यहाँ वर्ड लिखा हुआ है, लीनन होता है एक कपड़े की क्वालिटी होती है जो कि हम अपने बेड पे चादर बिछाने में काम आता है, तो लीनन के कपड़े आते हैं उस तरीके से, वही लिखा हुआ है. विथ लीनन स्मूथ एंड फेयर, स्मूथ का मतलब होता है बहुत ही चिकना है, बहुत ही फ्रेश है, और बिल्कुल फेयर का मतलब होता है बहुत ही साफ सुथरा है. ठीक है. तो ये फेयर का मतलब है. एंड आई मस्ट ऑफ टू स्लिप इन बाय एंड नॉट फॉरगेट माई प्रेयर. और यहाँ पे लिखा हुआ आई मस्ट ऑफ टू स्लिप्स इन बाय, स्लिप्स इन बाय का मतलब ये होता है ऑफ टू स्लिप्स इन बाय, मतलब मैं अभी सोने से दूर हूँ, मतलब मैं अभी सोने से पहले ही, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मस्ट ऑफ टू स्लिप्स इन बाय, मतलब मैं सोने से पहले नॉट फॉरगेट माई प्रेयर, मैं अपनी प्रार्थना, जो रात को हम सोने वक्त बच्चा ये करता होगा प्रार्थना, वो इसमें बताया गया है कि सोने से पहले वो भूला नहीं अपनी प्रार्थना करने के लिए. आई नो दैट Till tomorrow, I shall see the sun arise. ये मुझे पता है कि कल जब मैं सवेरे उठूँगा, सुबह सुबह उठूँगा, so I shall see the sunrise. मतलब मैं सुबह की सूरज जरूर देखूँगा, उगता हुआ सूरज. No ugly dream, कोई भी बुरे सपने नहीं आएंगे. Dream का मतलब सपना होता है, ugly मतलब खराब. Shall fright my mind, fright का मतलब होता है डराना, जो कि मेरे दिमाग को डराएगा नहीं. No ugly sight my eyes, और ना ही कोई गंदी सी तस्वीर, sight का मतलब होता है तस्वीर आना मेरे आंखों के सामने आएगी, जो कि कोई भी चीज़ मुझे डराएगी, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, डर जाते हैं किसी भूत प्रेत से, उसी के सेंस में बता जा रहा है कि मेरे सामने कोई भी डरावनी तस्वीर नहीं आएगी मेरी आंखों के सामने. But slumber hold me tightly till I waken in the dawn. Slumber का मतलब होता है नींद, बहुत तेज की जिसको नींद बोलते हैं, लेकिन जो स्लम्बर है, होल्ड में मतलब पकड़े रखेगा, टाइटली मतलब बहुत ही तेजी से जकड़ा रहेगा. टिल तब तक आई वेकन इन द डाउन, मतलब मैं तब तक
मेरे को नींद जकड़े रहेगा जब तक कि सुबह सुबह ना हो जाती। डाउन का मतलब ये होता है कि सुबह हो जाना, सूर्यदेव, सूर्य जो सूर्योदय होता है तो उसको डाउन बोलते हैं, सूर्यास्त को इंग्लिश में डस्क बोलते हैं, DUSK। ठीक है, मैं ये भी वर्ड भी लिखवा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, एंड हियर द थ्रशेज सिंगिंग द लिलैक राउंड द लॉन। थ्रशेज का यहाँ मतलब जो है वो एक चिड़िया की आवाज होती है, जो कि बहुत ही मतलब सुरीली आवाज होती है। थ्रशेस का यहाँ दो मतलब होता है। थ्रशेस एक बीमारी का भी नाम है, और यहाँ पे जो पोएट ने लिखा हुआ है, जो पोएट का नाम है आरएल स्टीवेंसन, उन्होंने लिखा हुआ है कि उनको बहुत ही सुंदर चिड़िया की आवाज़, थ्रशेस मतलब उनके कानों में बहुत ही सुरीली आवाज़ सुनाई दे रही है। एंड द लिनेक राउंड द लाउन, लाउन का मतलब ये होता है कि उनके चारों तरफ वो दिखता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा पोएम, पोएम हमारे यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब मैं कुछ इनके डिफिकल्ट वर्ड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था, वो मैं बताता हूँ। पहले ही मैंने बताया अगली वर्ड का मतलब होता है UGLY, अगली मतलब वर्ड मतलब बैड वर्ड, कोई भी गंदे शब्द। स्लम्बर स्लीप होना, गहरी नींद में जाना। डाउन मतलब मैंने आपको बताया हिंदी सवेरे, सवेरा इंग्लिश में इसको बोलते हैं। टाइम जस्ट बिफोर सनराइज मतलब सुबह सूर्योदय होने से जस्ट पहले के दम समय को हम डाउन बोलते हैं। थ्रशेस मैंने जैसे बताया एक सॉन्ग बर्ड है, चिड़िया की आवाज है। लीलैक मतलब क्या होता है, छोटे छोटे जो झाड़ झाड़ियाँ होती है ना, उनमें से जो सुबह सुबह स्मेल आती है पेड़ पौधों में से या फूलों में से, जब आप सुबह टहलेंगे अपने बागीचे वगैरह में, उसको बोलते हैं लीलैक्स। ऑफ टू स्लीप सिन बाय मतलब नींद से दूर होगी, मैं बहुत जिसे इस पॉइंट में बताया गया हुआ है, आपने देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखवाया गया है यह रहा। एंड आई मस्ट ऑफ टू स्लिप सिन बाय, और मस्ट ऑफ टू स्लिप सिन बाय का मतलब यही हुआ कि मैं नींद से जब तक दूर हूँ इतने में ही मुझे, एंड नॉट टू फॉरगेट माई प्रेयर, इसमें मुझे याद है कि मैं नींद से भी बहुत दूर हूँ, मुझे प्रेयर करना है, इस पॉइंट में ये लिखा गया है। ठीक है, इसके बाद से दिया हुआ फेयर, फेयर का मतलब गोरा होता है, आप ब्यूटीफुल भी लिख सकते हैं। फेयर का मतलब एक और होता है कि साफ सुथरा चांस देना, जैसे कि आप दो लोग गेम खेल रहे हैं या क्रिकेट खेल रहे हैं या कोई भी गेम खेल रहे हैं, तो दोनों को बराबरी का मौका देना चाहिए, फेयर चांस होता है। मतलब कि अगर कोई मतलब कोई गेम हो रहा है तो उसमें भी फेयर चांसेस दिए जाते हैं, मतलब बराबरी का मौका या फिर साफ सुथरा चीज। ठीक है, लिनन का मैंने जैसे ही बता दिया आपको, बेड क्लोथ्स जो कि कप बिस्तर पे बिछाने के लिए जो चादर का इस्तेमाल होता है। द सन इज गोइंग डाउन बिहाइंड द वुड, इसका मतलब आप लोगों को समझ में आ गया कि द सन इज सेटिंग मतलब सूरज डूब रहा है। स्टक टू प्ले का मतलब होता है केप्ट प्लेइंग मतलब खेलते रहना, खेलते रहना मतलब मैं अपने आप को खेलने इतना बिजी रखा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपको करना क्या है, ये आपको अपनी नोटबुक में इन सारे वर्ड्स की मीनिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखी हुई है, इनको लिखना है, और इसके बाद अपने नोटबुक की फोटो खींच के आप हमें रिप्लाई कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। ठीक है, इसके अलावा हम जब नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे इंग्लिश का चैप्टर, उसमें हम इसके जो बाकी के एक्सरसाइजेस दिए हुए हैं आपके बुक्स में, आप जैसे कि देख पा रहे होंगे अपने बुक्स में, ये सारे एक्सरसाइजेस आंसर दीज क्वेश्चंस हम करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।